अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है हेक्साडेसिमल को बाइनरी में किस तरीके से हमने तब्दील करना है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, जब आपने कन्वर्जन करनी होती है या किसी एक नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में आपने जाना होता है तो आपको सिर्फ टेबल याद होना चाहिए। जब आपको टेबल याद होगा तो सारे क्वेश्चन करने आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं लेक्चर की तरह, हम करके देखते हैं जी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में किस तरह तब्दील करना है आपने। अब ये देखें, ये पहली एग्जाम्पल है, ये है 23A, इसको मैंने थोड़ा सा फासले पे करके लिख लिया। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि बाइनरी में जो दो है, जो दो की बाइनरी होती है किस चीज के इक्वल होती है, दो की बाइनरी होती है 10। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर के सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होती है, 4 बिट्स होती है, तो आपने 4 बिट्स कंप्लीट करनी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ 00 लगा देना है, ये 4 बिट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आप लिखेंगे 2 की 10 और 20 ऐसे। ठीक है ना, ये 4 बिट्स आपकी कंप्लीट होगी। इसी तरह 3 को देखना है आपने, 3 किस चीज के इक्वल होता है, 3 इक्वल होता है 11 के, लेकिन आपने 4 बिट्स कंप्लीट करनी है क्योंकि हम हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं, तो 00 यहाँ लगा देंगे, 4 बिट्स कंप्लीट होगी, तो आप लिख देंगे 00 11। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जी ए किस चीज के इक्वल है। ये देखें, ए इज इक्वल टू है 10 10 के, तो आप सिंपल लिख देंगे 10 10। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर होगा, लिख लें इसको 00 10 00 11 10 10। ठीक है डियर स्टूडेंट, और इन जीरो को यहाँ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहे तो कोई मसला नहीं, ना लिखना चाहे तब भी कोई मसला नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपको किस में आ जाएगा, बाइनरी में। हमने क्या किया, हमने 16 के निजाम से हम किस में गए, 2 के निजाम में, यानी कि हेक्साडेसिमल से गए हम बाइनरी में। इस तरीके से गए, मैंने सिंपल से उनके 4 4 बिट्स के मैंने क्या ग्रुप बना लिया और उनको मैंने कन्वर्ट कर दिया टेबल से देख के। आपको इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको टेबल याद होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। अब देखें, ये आपके पास क्या है जी, 10A4 है या 10A4 आपके पास है, इसको आप क्या करें जी, बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। अब बाइनरी में आप देखें जी, सबसे पहले आप इधर लिख लें जी, अच्छा जी, इसमें आप क्या करें, इन सबको सेपरेट कर लें, 10A4। ठीक है जी, अब देखें 1 जो होता है आपका किसमें, हेक्साडेसिमल में, वो किसके इक्वल होता है, 1 इज इक्वल होता है 0001। ठीक है ना, क्योंकि 0001 किस तरीके से है, 3 तो मैंने 0 अपनी तरफ से लगाई है 4 बिट्स कंप्लीट करने के लिए, असल में होता है 1 के इक्वल ही होता है, ये 0000 मैंने अपनी साइड से लगा दिया। अब 0 क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, लेकिन 4 बिट्स कंप्लीट करनी होती है, देखो वो 0 हेक्साडेसिमल में, देखो 0 0 के इक्वल ही होता है, लेकिन हमने हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं, तो इधर हम 4 फिगर कंप्लीट लेंगे, यानी कि इधर 4 0 मैं इस तरह लगा देंगे। ठीक है, तो इधर क्या कर देंगे, 4 0 कर देंगे। ठीक है जी, अब देखें हम ए किस चीज के इक्वल है, ए इज इक्वल टू है 10 10, तो मैं इधर लिख दूंगा 10 10। अब 4 देखना, 4 किस चीज के इक्वल होता है, 4 इज इक्वल टू होता है 100, यानी कि 4 बिट्स कंप्लीट करने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा, यानी कि 1 0 इजाफी लगानी पड़ेगी, तो 0 100। ठीक है जी, अब इनको कंबाइंड करके आप लिख लें, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 10 00 00 10 10 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपको क्या हो गया, बाइनरी में। हमने क्या किया, हम 16 के निजाम से किस में गए, 2 के निजाम में, यानी कि हेक्साडेसिमल से हम गए जी बाइनरी के निजाम में। हमने क्या किया, कन्वर्जन किया है, ये कन्वर्ट किया आपने किसको, अदात को। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज के इसके लेक्चर की आपको समझ आई होगी। जाते जाते मैं जरूर कहूंगा, अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि इस तरह के मजीद लेक्चर आपको बआसानी तरीके से मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।